बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, जावेद एजुकेशन न्यूज़ में रौंदे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास एक और इश्तहार ला चुका हूँ, और वो ये कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट हुकूमत हाइबर पतनहा में बहुत सारी असामियाँ हाली हैं। दोस्तों, पांच कैटेगरी की असामियाँ हैं और पूरे के पी के से इसके लिए दरख्वास्तें मतलूब है। दोस्तों, इस इश्तहार पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ जॉब और एजुकेशन की वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि महकमा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट एनर्जी एंड पावर डिपार्टमेंट हुकूमत हैबर पतनहा में दर्ज असामियाँ हाली है। सुबह पतनहा के हुकूमती उम्मीदवार से दरख्वास्तें मतलूब है, असामियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर पुर की जाएगी। मर्द व तीन दोनों अप्लाई का आला है। तो दोस्तों, असिस्टेंट एक असामी है और 16 ग्रेड है, बैचलर और 18 से 28 साल। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि उम्र की हद सारी असामियों के लिए 18 से 28 साल है। कंप्यूटर ऑपरेटर 5 है, मेरठ 1, जोन 1, जोन 2, 3, 4 इसके लिए एक एक आसामी है। नंबर 3 इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर 4 आसामी है, जनाना कोटा 1, जोन 1, जोन 2, 1, जोन 5, 1, जोन 4 इसमें नहीं है। किसी भी मंजूरशुदा टेक्निकल बोर्ड से 3 साल इलेक्ट्रिकल DAE डिप्लोमा। जूनियर क्लर्क 4 आसामियाँ हैं, जोन 1, 2, जोन 2, 1, जोन 3, 1, जोन 4 एक आसामी है। FFSC और कंप्यूटर लिटरेट या फिर ऑफिस जो MS ऑफिस के बारे में इल्म रखता हो। और पांचवें नंबर पे हैं अकाउंट क्लर्क, 9 स्केल हैं, 4 आसामियाँ हैं, हर एक जोन के लिए एक एक है। फाइनेंस अकाउंट्स कॉमर्स में बिजली डिग्री या मुसावी तालीम। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलो कि ये ईटा के ज़रिए ऑनलाइन अप्लाई है। तो आप दोस्त, आप लोग जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप ईटा के थ्रू इसकी अप्लाई कर सकते हो। और इसका फॉर्म जमा करने का आखिरी तारीख 4/2/2022 है। मगर ईटा पे अप्लाई करने से कबल आपके पास अपना एक सॉफ्ट कॉपी में फोटो इमेज जिसकी साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो, अपना NIC, इसके अलावा अपने सारे क्वालिफिकेशन, फिर आप इसको पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।